हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रुपेश और आप सभी का दोस्तों स्वागत करते हैं आपके अपने इस चैनल पर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कि कंप्यूटर को कैसे जो है हमारे टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं और कैसे जो है कंप्यूटर की आवाज को हम हमारे टीवी के स्पीकर में सुन सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो मेरे एक स्पेशल सब्सक्राइबर के लिए है जो कि जिन्होंने मुझे कमेंट किया था कि कैसे जो है हम हमारे कंप्यूटर को हमारे टीवी के स्पीकर से कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए करते इस वीडियो को शुरू और जानते हैं कि कैसे जो है आप आपके कंप्यूटर को आपके टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्ट एनी टाइम करते इस वीडियो को शुरू। सो फ्रेंड्स, हमें हमारे जो सीपीयू है सीपीयू को हमारे टीवी से कनेक्ट करने के लिए केबल की जरूरत पड़ेगी और जो केबल है स्टीरियो टू आरसीए केबल जिसको कहा जाता है, आप मार्केट में इस केबल को आसानी से जो है ले सकते हैं। तो यहाँ पर इस केबल में क्या होता है, यहाँ पर एक जो ये पॉइंट है जो कि 3.5 mm आसानी से लग जाता है आपके मोबाइल फोन में भी और जहाँ पर भी 3.5 mm का जैक होता है उसके अंदर में आसानी से ये पिन जो है फिट हो जाएगी। और उसके बाद में जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आरसी है, तो जैसे आप ऑडियो वीडियो के लिए यूज़ करते हैं कुछ इस तरह से आपको जो है पिन मिल जाती है। तो आपको बस आप देखेंगे कि मार्केट में जब आप खरीदने जाओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टीरियो टू आरसीए 3.5, यहाँ पर ये दो पॉइंट रहते हैं और उसके जो अगला पॉइंट जो होता है एक पॉइंट ये वाला होता है। तो एक तरफ से ये ऐसा पॉइंट रहेगा और दूसरी तरफ से ये दो ऐसे आपको जो है कलर केबल्स मिल जाते हैं जो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर एक्चुअली क्या किया, मेरे पास में केबल तो ऑलरेडी थी तो मैंने इसका कनेक्टर ही खरीद लिया है। अगर आपके पास में भी ऐसी कोई केबल है पहले से, नॉर्मली आपको जैसे ऑडियो वीडियो केबल जिसे बोलते हैं, अगर आपके पास में ऐसी कोई ऑडियो वीडियो केबल है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ये जो यहाँ पर जो एक कनेक्टर है, मैं यहाँ से कनेक्टर खरीद के लाया था, ये कनेक्टर मैंने यहाँ पर इस तरह से कनेक्ट कर दिया है। आपको ऐसे डायरेक्टली केबल भी मिल जाएगी, यहाँ एक तरफ से ये पॉइंट रहेगा और दूसरी तरफ से जो है ये यहाँ पर ये वाला पॉइंट रहेगा। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप सीपीयू में कनेक्ट करना चाहते हो तो बस सिंपल है दोस्तों। तो ये जो होता है यहाँ पर जो है ना ऑडियो का ऑप्शन होता है, तो आप जैसे यहाँ पर एक कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ से इसको कनेक्ट कर देना है। अब जैसे कि मेरे इसमें तो ये वाला जो है वो ये वर्क करता है, तो इस वाले पोर्ट में मुझे यहाँ पर जो है ये ऑप्शन मिल जाता है। तो आपको देखना होगा कि आपका जो है किस वाले ऑप्शन में जाता है, आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। तो इसमें से आपको इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर जो है आपको सीपीयू के, ये जो मेरा सीपीयू ये पूरी तरह से बंद है दोस्तों, जिसकी वजह से मैं आपको इसमें तो आपको नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन मैं आपको मेरा जो लैपटॉप है इसके ऊपर मैं आपको कनेक्ट करके जरूर दिखाऊंगा कि कैसा जो है आपको टीवी में आउटपुट मिल जाता है। तो बस सिंपल है, मैं जो आपको लैपटॉप में जो प्रोसेस बता रहा हूँ वही प्रोसेस यहाँ पर भी है। मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ कि आपके जो सीपीयू होगा जिसमें से आपका आप एक्सटर्नल स्पीकर जिसमें कनेक्ट करते हो ना, बस उस वाले पॉइंट में जो है ना उसमें इसको लगा देना है। और अगला जो पॉइंट रहेगा, अगले जो ये दो पॉइंट है ये आपको टीवी में कनेक्ट करने हैं, वो अभी मैं प्रोसेस आपको बता देता हूँ। तो मैंने देखिए यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दिया है। दूसरे ये जो पॉइंट है ये मैं आपको टीवी में कैसे कनेक्ट करना है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए अभी हमने वहाँ तो पॉइंट हमारा लगा दिया है, अभी ये जो दो पॉइंट है एकदम आसान है दोस्तों। हर टीवी में जो है इनपुट आउटपुट का जो ऑप्शन होता है वो दिया होता है। अब इस वाले टीवी में जो है यहाँ पर आगे की ओर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इनपुट वीडियो टू यहाँ पर लिखा हुआ है। ये यहाँ पर ये जो ऑप्शंस होते हैं ये दो जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो दो आपको दिखाई दे रहे हैं कनेक्टर के लिए है, और ये जो होता है ये वीडियो येलो वाला जो होता है वो वीडियो के लिए होता है। हालांकि मेरे पास जो केबल है, मैंने आपको बताया था ऑडियो वीडियो केबल थी मेरे पास, तो मेरी जो व्हाइट वाली थी जो व्हाइट कलर होता है वो खराब हो गई थी, तो मैं इसको इसमें यूज कर रहा हूँ। तो आपको ज्यादा कंफ्यूज होना नहीं है, बस ये जो होता है ये वीडियो के लिए होता है येलो, और ये व्हाइट वाला जो है ये आपके ऑडियो, और रेड वाला भी जो है ऑडियो के लिए, लेफ्ट राइट ऑडियो के लिए होता है। तो इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगा अगर आप कोई भी केबल की कलर को लगाते हो इसके अंदर में, तो आपको आसानी से जो है आपको इसके अंदर में जो साउंड है वो मिल जाता है। तो बस कुछ नहीं करना है, ये वाला जो पॉइंट है मैं इसमें इसको कनेक्ट कर देता हूँ, और इस वाले पॉइंट को जो है ना दोस्तों यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये जो है हमारा कनेक्ट हो गया है, और जैसे आप पीसी आपके कंप्यूटर में से जो भी सॉन्ग आप प्ले करेंगे वो इसमें सुनाई देगा। मैंने जो आपको यहाँ पर सीपीयू में कनेक्ट करके दिखाया उस सीपीयू से तो मैं आपको जो है आउटपुट यहाँ पर नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि मेरे उस सीपीयू में कुछ प्रॉब्लम्स आने की वजह से मैं जो है उसे कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो सिंपल कनेक्शन जो मैंने आपको बताया उसी तरह से कनेक्शन करना है, आपका जो आउटपुट है आपको मिल जाएगा आपके टीवी के अंदर में। अभी मैं इसे कनेक्ट आपको मेरे लैपटॉप से करके दिखाता हूँ, तो चलिए तो लैपटॉप में भी कैसे कनेक्ट करना है वो भी मैं बताता हूँ। तो सिंपल है दोस्तों, ये आपने कनेक्शन करके रख देना है, और आप जो है जैसे नॉर्मली आप जो है ना
यहाँ पे टीवी में कनेक्ट करके आपके मोबाइल फोन में भी इसको बजा सकते हो, और मोबाइल फोन के जो सॉन्ग्स है वो भी आपके टीवी में सुन सकते हो, और लैपटॉप में भी आप सुन सकते हो, आपके पीसी को भी यहाँ पे कनेक्ट करके आसानी से सुन सकते हो। ये तरीका एक ही है, कोई तरीका बदला नहीं है। तो हम जो है यहाँ पर अभी लैपटॉप से कनेक्ट करके प्ले करके देखेंगे। तो देखिए लैपटॉप में भी यहाँ पर जो है आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक साइन दिखाई दे रहा है आपको, और इस वाले साइन में जो है आपको आपका जो स्पीकर होता है ना वो आपको कनेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे ये जैसे आप देख रहे हो हेडफोन का यहाँ पर जैक दिख रहा है, तो देखिए मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, ये यहाँ पर जो ये 3.5 mm का है जो नॉर्मली आपके आउटपुट के लिए होता है। तो आप बस यहाँ पे कनेक्ट कर लीजिए जैसे आप नॉर्मली आपका हेडफोन कनेक्ट करते हो, जैसे कि मैंने सीपीयू में भी यही प्रोसेस बताई थी, लैपटॉप में भी सेम यही प्रोसेस है। आप इसको कनेक्ट कर ले, देखिए ये कनेक्ट हो चुका है। अभी जो है ना दोस्तों, हम कनेक्ट करने के बाद में आप देख सकते हो मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है, और इसके साथ में मैंने जो है कनेक्ट कर रखा है। तो ये टीवी के साथ में मेरा कनेक्ट है, आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो है ये केबल यहाँ से आ रही है, आप देख रहे होंगे ये लैपटॉप है मेरा, यहाँ इस साइड से लैपटॉप है और इस साइड से मेरा ये जो है टीवी को कनेक्ट हो चुका है। अभी मैं आपको प्ले करके दिखाऊंगा दोस्तों। तो अभी हम यहाँ से जो है सॉन्ग को प्ले कर रहे हैं, और आप देख सकते हो यहाँ पर तो मैं यहाँ से प्ले कर देता हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड वाले सब्सक्राइब बटन को दबाकर साइड में जो बेल आइकॉन है उसे आप जरूर प्रेस करिएगा, ताकि मेरे आने वाले नए नए वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको दोस्तों मिलता रहे।